हे गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोटरोला एज 40 या फिर 40 नियो 5G मोबाइल में आप किस तरीके से मोटो सिक्योर जो ऐप दिया गया है, यानी कि सिक्योर फोल्डर का जो ऐप दिया गया है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोटो सिक्योर ऐप को यूज करने के लिए यहाँ पर इसको ओपन करना होगा। दोस्तों, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या फायदे हैं इसके, सब मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए सिक्योर फोल्डर ऑफ दिखा रहा है, तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। और गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अपना स्क्रीन लॉक जो भी है उसको डाल दीजिए। डालने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस करता है, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आ चुका है। अब आप सिक्योर फोल्डर के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, जो भी आप रखना चाहते हो। आप चाहो तो पैटर्न या पिन या पासवर्ड कोई भी एक रख सकते हो। पैटर्न में डाल लेता हूँ, एक पैटर्न सिंपल सा कोई भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट कर दीजिए और वही बटन फिर से कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर इस सिक्योर फोल्डर का काम क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो है आप किसी भी ऐप्स को यानी कि हाइड रूप में चला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐप्स को ऐड कर सकते हो और फाइल फोटो वीडियो जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक ऐप्स ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्लस जाएंगे और यहाँ पर मैं किसी एक ऐप को, चलिए व्हाट्सअप को ही ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर राइट के साइड पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको इसी पे क्लिक कर देना, बैक कर देना। देखिए व्हाट्सअप एक आ चुका है यहाँ पर। अभी आप देख पाएंगे तो व्हाट्सअप यहाँ पर न्यू है, ये यानी कि ये नया व्हाट्सअप, इसमें आप अलग से व्हाट्सअप बना सकते हो। और इसी का जो बाहर वाला व्हाट्सअप है यानी कि ये वाला व्हाट्सअप जो है, इसमें आपका जो पहले से नंबर चल रहा है वो वाला चला सकते हो। और जो वो वाला व्हाट्सअप दिया गया है, इसमें आप जो है कोई दूसरे नंबर से भी व्हाट्सअप चला सकते हो। इससे क्या होगा कि सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा कि एक ही व्हाट्सअप है या दो व्हाट्सअप है। तो यहाँ पर आप कुछ और यूज कर सकते हो और वहाँ पर आप कुछ और यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सिक्योर फोल्डर में आप फोटो वीडियोज को हाइड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उस पर जाएंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्लस का आइकन, इस पर जाएंगे और ऐड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप जितने भी फोटो या वीडियोज को हाइड कर देंगे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं फोटो वीडियो को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर मूव पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये फोटो वीडियो जो आपकी फाइल्स में आ जाएंगी, इस वाली फाइल्स में आ जाएंगी। इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए वही फोटो और वीडियो जो आपको दिख जाएंगी। अब ये वाली फोटो वीडियो जो आपको ये जो नॉर्मल वाली फाइल्स दी गई है यानी कि मोबाइल में जो वायर दी गई, इसमें नहीं मिलेगा। यानी कि वो फोटो वीडियो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे आपको, सिर्फ ये जो आपने हाइड किए हैं ये सिर्फ वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप्स को भी ऐड कर सकते हो वहाँ पर और फोटो वीडियोज को भी हाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सिक्योर फोल्डर का यूज करके आप बड़ी आसान तरीके से यहाँ पर अपने फोटो और वीडियोज को और अपने ऐप्स में प्राइवेसी लगा सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।